वेलकम बैक गाइज, एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं जो पूरा वीज़ा प्रोसेस है और मेरा इंडिया से थाईलैंड जब मैं आया था तो मेरा इमिग्रेशन कैसा हुआ था और पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये दाढ़ी वाड़ी कैसे है। राइट नाउ मैं आपको बता देता हूँ, राइट नाउ मैं शंघाई में हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो मैं अब जाके ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज 21 तारीख है तो आप लोगों को ये 22-23 तारीख को ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, बिकॉज अब मैं अपलोड करने धीरे धीरे वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो बात कर लेते हैं हम लोग अपने वीज़ा प्रोसेस की। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को स्टिकर वीज़ा, अभी की टाइम वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है, तो आप लोग वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप ई वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन आप कर सकते हो, तो आप लोग जब यहाँ थाईलैंड में लैंड हो गए तो आप लोगों को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी ई वीज़ा रहेगा, तो वो वीज़ा ऑन अराइवल में आप लोग काम ले सकते हो। बात करता हूँ यहाँ पे स्टिकर वीज़ा की, तो स्टिकर वीज़ा का मैं आपको क्लेरिफिकेशन कर देता हूँ कि स्टिकर वीज़ा में आप लोगों को कोई भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई, जो भी VFS आपके आसपास है वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली जाके विजिट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए आप लोगों को, पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 6 महीने नहीं लाइक 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चल जाएगी। और मेक श्योर कि वो बैंक से अटेस्टेड हो, लाइक स्टैंप लग के उसमें खुद के साइन भी कर लोगे तो भी चलेगा, बस बैंक से अटेस्टेड होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ आपका पासपोर्ट चाहिए और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए। और तीसरी चीज़ आप लोगों को चाहिए, एम्बेसी की वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एक फॉर्म है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो फॉर्म को आप लोगों को फिलअप करके देना है। और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, बस आप लोगों को यही डॉक्यूमेंट चाहिए। और आप लोग VFS में जाके अपने जो फाइल है उसको सबमिट कर दीजिएगा, और सबमिट करने के जस्ट 4 दिन बाद आप लोगों को जो आपका वीज़ा है वो आपके हाथ में मिल जाएगा। तो मेरे को 3 दिन में मेरा वीज़ा मिल गया था, तो बहुत इजी प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ हार्ड प्रोसेस नहीं है। एक चीज़ और, आप लोग अपनी रिटर्न टिकट और यहाँ से जाने की टिकट, जो दिल्ली से बैंकॉक की और बैंकॉक से यहाँ वापस थाईलैंड से वापस आने की टिकट को ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा वहाँ पे। लाइक एक बार दोबारा से आप लोगों को डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो फर्स्ट तो आप लोगों को आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, दूसरा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, और तीसरा आप लोगों को चाहिए आपकी जो पासपोर्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, और रिटर्न फ्लाइट टिकट चाहिए। जो ये 4 डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए ये कंपलसरी हैं। और एडिशनल डॉक्यूमेंट आप लोग देख लीजिएगा लिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जो आप लोगों को अटेस्टेड करवाने, बिकॉज ये मैं बता रहा हूँ, ये जब मैंने मार्च में अप्लाई किया था तो ये मार्च का बता रहा हूँ, अब कुछ रूल चेंज हो जाएंगे तो उसका मुझे पता नहीं है। और तीसरी चीज़ है, आप लोगों के जो बैंक है उस बैंक है उसके अंदर अराउंड 50,000-60,000 से ऊपर बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो मिनिमम सबके पास इतना रहता है तो हो जाएगा काम, तो आपका 4 दिन में वीज़ा आ जाएगा। और अब मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो थाईलैंड से जब मैं इंडिया से थाईलैंड गया था तो एक्सपीरियंस मेरा एक्चुअली काफ़ी ख़राब था। लाइक जब दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहाँ पे एयरलाइन वाले इतने खड़ूस थे, मैंने कभी ज़िंदगी में, मैं कभी किसी को सुजेस्ट नहीं करूँगा कि थाई एयरवेज़ में जाओ, लाइक उनका जो स्टाफ है वो बहुत खड़ूस है। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया कि आप सोलो जा रहे हो या फिर कपल जा रहे हो, तो मैंने बोला मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। तो फिर उनका पहला एक वर्ड उन्होंने क्या बोला कि सोलो कौन जाता है थाईलैंड, सब लोग कपल में जाते हैं। तो मैंने बोला मुझे इसमें क्या मतलब है, लाइक सोलो भी आदमी जा रहा है तो इसका मतलब वो ट्रैवल नहीं कर सकता। तो उनका यही था, बोले कि आप सोलो कैसे क्यों जा रहे हो, और ये फालतूगिरी के सवाल पूछ रहे थे। फिर बोलते कि आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट, तो मैंने बोला हाँ, तो बोले कौन सी फ़्लाइट है, तो मैंने बोला एयर एशिया में है, तो बोले कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, बोले कि आपने एयर एशिया में टिकट क्यों कराई। बताओ इसमें भी उनको दिक्कत है, मतलब मैंने एयर एशिया में अपनी टिकट क्यों कराई उसमें भी उन लोगों को दिक्कत थी, बोले कि एयर एशिया अपनी जो फ़्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर रही है तो हम आप लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने बोला हमको एयर एशिया ने मुझे घर पर आके थोड़ी बोला था कि भाई हम लोग फ़्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं तो आप लोग इसमें बुक मत कीजिए। तो फिर वो लोग मेरे से बोलते कि आपके पास 10,000 थाई बात हैं, तो मैंने बोला मेरे को मेरे पास $300 हैं, तो बोले नहीं हमें तो सिर्फ थाई बात चाहिए। तो मैंने फिर खुद के पैसे लगा के वहाँ पे, उन्होंने बोला बोर्डिंग पास नहीं देंगे आप, पहले ये लेके आओ। तो फिर मैंने उनको पैसे दिए, जो मेरे पास डॉलर थे उनके उन्होंने मेरे को
10,000 था ये बात मैंने एक्सचेंज करवा के इनको वापस दिखाया, तो तब जाके उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया। उसमें भी बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी कर रहे थे, और इंडिया का जो इमिग्रेशन था वो बहुत स्मूथ था। लाइक मतलब एक राजस्थान का ही इमिग्रेशन ऑफिसर थे जो बहुत नाइस थे, जो उन्होंने कुछ नहीं मेरे से सवाल पूछे, बस नॉर्मल घर के बारे में पूछे थे और स्टैंप लगा दिया। और फिर मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी अराउंड इवनिंग में, 9:30 बजे के आसपास मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद में जब मैं थाईलैंड एंटर हुआ तो ये चीज़ का जो मैं अब यहाँ पे पॉइंट्स आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। मैं जैसे ही थाईलैंड एंटर हुआ तो उन्होंने सबसे पहला, जैसे ही मैं फ़्लाइट से बाहर निकला, मैं लास्ट ही लास्ट में निकला था, तो जैसे ही मैं बाहर निकला, गेट से बाहर निकलते मेरे को जो एयरपोर्ट जो पुलिस अथॉरिटीज़ होती है वो बाहर खड़ी थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किस पर्पस से आए हो। तो मैंने बोला टूरिज़म पर्पस से आया हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या, आपके आप स्टूडेंट हो या क्या, मतलब जॉब क्या करते हो। तो मैंने बोला मुझको मैं फ्रीलांसर हूँ। तो बोले अच्छा, तो बोले कि हमें बताओ आप क्या काम करते हो। अब उनको क्या बताए फ्रीलांसर में क्या काम करते हैं, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा उनको घुमा फिरा के थोड़ा ऐसे ही कुछ जो अपने नॉर्मल व्हाट्सएप की चैट होती है तो मैंने वही दिखा दी, क्योंकि उनको इंग्लिश समझ में आती नहीं है, तो मैंने ऐसे ही किसी की भी चैट दिखा दी कि भाई ये काम कर रहा हूँ। तो अब उनको क्या दिखाता मैं, कुछ तो करते नहीं है, तो उनको वही बताया कि भाई नॉर्मल चैट्स दिखा दी। तो उसके बाद में उन्होंने बोला ठीक है आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट है। मैंने हाँ रिटर्न फ्लाइट टिकट है, तो उन्होंने फिर मुझे जाने दिया। तो फिर मैं वहाँ से चला गया, मेरी क्वेश्चनिंग हुई काफ़ी 5-1 मिनट तक, फिर मैं चला गया। फिर जैसे ही आप लोग अंदर एंटर करोगे तो उसके बाद में आपको जो थाई पास जो आपने अप्लाई किया था, थाई पास के लिए वो लोग आपको चेक करेंगे, जो कि थाई पास आप लोग आपकी जब फ़्लाइट होगी जी उससे 7-8 दिन पहले आप अपना थाई पास अप्लाई कर लीजिएगा, जो 4-5 दिन आप लोग थाई पास को लगते हैं। तो वो लोग आपका थाई पास स्कैन करेंगे और एक स्लिप देते हैं, वो स्लिप आप लोगों को वहाँ पे अपना होटल की डिटेल्स वगैरह मेंशन करनी है, तो होटल की डिटेल वगैरह मेंशन कर दीजिएगा, तो आपका स्कैन करने के बाद आप लोगों को आगे प्रोसीड करवा देंगे। तो फिर जब इमिग्रेशन, फिर वहाँ से क्या, अगर आप लोगों के पास स्टिकर वीज़ा है तो आप लोग बहुत ईजिली वहाँ पर, ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं होती, तो बहुत ईजिली आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। और अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आए हो तो आप लोग वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म भरना पड़ेगा, और अगर आपने ई वीज़ा ले रखा होगा तो आप लोगों का ईजी से प्रोसेस हो जाएगा। तो मेरे पास स्टिकर वीज़ा था, तो मेरे को वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछे, सिर्फ उन्होंने पूछा कि आप लोग किस पर्पस से आए हो, आपके पास 10,000 थाई बात हैं और रिटर्न फ्लाइट टिकट हैं। तो मैंने उनको सब ये सब दिखा दी और उन्होंने बोला कि आप कितने दिन यहाँ स्टे करने वाले हो। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास होटल बुकिंग है, और यही क्वेश्चन उन्होंने जब मैं इंडिया में था उन्होंने पूछा आपके पास फ़्लाइट बुकिंग्स हैं, तो मैंने उनको फ़्लाइट बुकिंग्स बताई। एक्चुअली फ़र्स्ट डे SHA प्लस होटल की बुकिंग थी, उसके बाद में जब हम लोग कितने दिन स्टे कर रहे हैं ना वो बुकिंग भी देखी थी। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप थाईलैंड में आ रहे हो तो आप लोग अगर 10 दिन स्टे कर रहे हो, 15 दिन स्टे कर रहे हो, तो आप 15 दिन की होटल बुकिंग करवा के आइएगा, बिकॉज मैंने देखा है, मैंने यहाँ पे 2-3 लोगों को देखा था, उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। तो प्लीज़ ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठीक था, बस थाई एयरवेज़ के साथ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ख़राब था, बिकॉज फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ था और जो कि अच्छा नहीं था। लाइक कौन ऐसे सवाल पूछता है कि आप सोलो ट्रैवल कौन जाता है थाईलैंड, ये सब कौन पूछता है यार, मतलब हम ट्रैवल नहीं कर सकते इसका मतलब सोलो। तो वही चीज़ था, ये सब मेरे से सवाल पूछे थे। और बाकी ओवरऑल मेरा जो थाईलैंड में एंट्री हुआ था तो वहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा था, बिकॉज़ मेरे पास रिटर्न फ्लाइट टिकट वगैरह थी। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को थाईलैंड में 1 महीना हो गया, तो मैं 1 महीने से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, और अब आप लोगों को रेगुलर वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, लाइक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके के रेगुलर वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।